अगर आप शिबा इनू होल्डर हैं तो हो जाएं सावधान, जीरो हो सकती है शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टिप्स। इस आर्टिकल में बताया गया है कि शिबा इनू होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत आ सकता है, शिबा इनू टोकन का वैल्यू जीरो हो सकता है आने वाले समय में। तो इसकी पूरी सच्चाई अभी इसी वीडियो में हम आगे चल के बिल्कुल लाइव में देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं वो इस आर्टिकल के बेस पे है। तो आखिर इस आर्टिकल में क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग शिबा इनू को ज़रूर जानते होंगे। शिबा इनू एक मीम कॉइन के तौर पे लॉन्च हुआ था, लेकिन आज इसकी लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक समय में इसकी वैल्यू एक पैसे तक जाके आई है। शिबा इनू टोकन की बात करें तो आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो में शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं। शिबा इनू को लेके कई सारी चेतावनियां आ रही हैं, कई सारे अलर्ट्स आ रहे हैं। तो आखिर ये चेतावनियां क्या हैं, ये अलर्ट्स क्या हैं, उन चीज़ों पे आज हम नज़र डाल लेते हैं। इस महीने टेरा लूना टोकन के प्राइस में जितना क्रैश आया है, उस क्रैश को देखते हुए शिबा इनू के बारे में भी कहा जा रहा है कि शिबा इनू के प्राइस में भी आने वाले समय में इसी तरह से बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है। क्रिप्टो रिसर्च फर्म फाइंडर के द्वारा एक सर्वे किया गया था। उनकी टीम ने शिबा इनू के ऊपर एक रिसर्च किया, एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि साल 2022 के अंत तक शिबा इनू टोकन की वैल्यू 0.00001850 हो सकता है और ये 7.5% गिरावट दिखा सकता है। तो शिबा इनू टोकन की प्राइस की अगर हम बात करें तो साल 2022 के अंत तक जो वैल्यू इन्होंने बताया था उससे भी नीचे आज शिबा इनू टोकन सर्वाइव कर रहा है। तो इससे यह चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि क्रिप्टो रिसर्च फर्म फाइंडर के द्वारा जो सर्वे किया गया था, जो उन्होंने यहाँ पर हमें भविष्यवाणी की थी, वह हमें कुछ हद तक सच होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिप्टो रिसर्च फर्म फाइंडर की टीम ने बताया है कि साल 2025 में शिबा इनू टोकन की वैल्यू 0.5x0.25 डॉलर हो सकती है और वहीं साल 2030 के अंत तक शिबा इनू टोकन की वैल्यू 0.6x0.325 हो जाएगी, जो कि एकदम ज़ीरो वैल्यू के बराबर हो जाती है। अगर सचमुच इस तरह से शिबा इनू टोकन की वैल्यू आने वाले समय में नीचे जाती है तो हमारा यकीनन बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि शिबा इनू टोकन की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर जाएगी, लेकिन क्रिप्टो रिसर्च फर्म फाइंडर के द्वारा ये रिसर्च किया गया, ये सर्वे किया गया है और सर्वे में उन्होंने जो घोषणा की है, जो प्रेडिक्शन किया है कि शिबा इनू टोकन की वैल्यू इतनी जा सकती है, तो वो प्रेडिक्शन आज इस वीडियो के द्वारा हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। लूना टोकन की अगर हम बात करें तो 40 अरब डॉलर का यहाँ पर लोगों को नुकसान हो चुका है, इतना यहाँ पर इसके प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर इसी तरह से शिबा इनू टोकन के प्राइस में भी गिरावट दर्ज की जाएगी तो आप अंदाज़ा लगाइए क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का क्या होगा और उन निवेशकों का क्या होगा, इन्वेस्टर्स का क्या होगा जिन्होंने शिबा इनू टोकन में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि शिबा इनू टोकन की वैल्यू नीचे गिर जाए, लेकिन हमारे सामने जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट्स आती है उस वो आप लोगों से शेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ें हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। आगे आपके ऊपर है कि आप इन न्यूज़ के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं और आप क्या डिसीज़न लेते हैं। सारा का सारा डिसीज़न आपके ऊपर है, क्योंकि पैसे आपके इन्वेस्ट हैं और रिस्क आपका खुद का है। तो इसी तरह की और भी कई सारे वीडियोस आने वाले समय में हम बना के लाने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।